नमस्ते आप सभी को। आज बनाऊंगी कटहल की बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पे कटहल लिए हैं। कटहल को अच्छे तरीके से काट लेंगे और इसे छील लेंगे। इसे छीलने में आप थोड़ा सा सावधानी से छीले, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप अच्छे तरीके से इसे छील लें। तो पूरे कटहल को मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से छील लिया है। इसे क्लीन कर लेंगे और हमारा हाथ जो स्टिकी हो जाएगा कटहल छीलने के बाद, तो उसके लिए हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों पे। हाथ को रब करके हाथों को अच्छे तरीके से धो लेंगे, फिर हम कटहल के पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पहले बीच से कट कर लिया है और फिर इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो कटहल के पीस को हमें मीडियम साइज़ के काटने हैं, तो उससे क्या होगा कि कटहल बहुत अच्छे तरीके से पकेगा। तो मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लें। तो हमने ऐसे सारे को कट कर लिया। इसे धो लेंगे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। उसके बाद 3 से 4 बड़े चम्मच दही डालें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डालेंगे 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दे और यहाँ पे चढ़ाएंगे हम एक कुकर, जिसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। तो इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल, तेल को गर्म कर ले। फिर इसके बाद डालें कुछ खड़ा मसाला, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, सूखी मिर्ची, तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा। तो इन्हें बस थोड़ा सा सुनहरा होने दें और उसके बाद इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे एक बार 1 मिनट तक के लिए चलाते हुए भून लें। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा डालना है और इसे अच्छे तरीके से चला लेना है। फिर इसके बाद कुकर के ढक्कन को बंद कर दे और इसमें 1 विसल आने तक पकने दे। फ्लेम को लो कर दे और प्याज को 1 विसल तक पका ले। तो जब 1 विसल दे दे तो कुकर को ठंडा होने दे। तो इस तरह से अगर प्याज को आप पकाते हैं तो प्याज बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और ये ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो उसके बाद फिर से हम गैस ऑन कर लेंगे। तो अब हम इसमें कटहल को डाल देंगे, जो कटहल हमने मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा था। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला ले। तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और कटहल को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल बाहर ना आ जाए, कटहल अच्छे से भुन ना जाए। तो तब तक आप इसे भून लें। तो आप देख रहे होंगे कि कटहल में जो है वो तेल अलग होने लगा है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसे हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट भुना है। उसके बाद 1/4 छोटा चम्मच चीनी डाल दे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। तो हमारा जो कटहल है वो लगभग भुन के तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से यूज़ करें, इतना यूज़ करें कि कटहल अच्छे से डिप हो जाए, ताकि कटहल अच्छे से कुक हो पाए। तो इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फिर हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 3 विसल के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने दें। तो देख रहे होंगे कि हमारा कटहल जो है वो बनके है तैयार। इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ चेक भी कर लेते हैं कि कटहल अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। तो देख रहे होंगे कटहल बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अगर आपकी कटहल कुक नहीं हुई हो तो 1-2 विसल और लगा दे और इसके बाद इसमें डाल दे कटे हुए हरा धनिया। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर दे और इसमें डाले 1 छोटा चम्मच देसी घी। ये घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो लीजिए, कटहल की सब्जी है बनके तैयार। आप इसे सर्व करें किसी भी चीज़ के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।